हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के, जो हम आपको दिखा रहे थे, जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चल रहा था। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने 50 क्वेश्चन पार्ट टू में डाले थे, आपको पता होगा। पार्ट टू में, पार्ट वन में हमने कुछ क्वेश्चन डाले थे पार्ट वन में, और पार्ट टू में हमने डाले थे 50 क्वेश्चन। और आज जो वीडियो आप देख रहे हैं अभी हाल ही में, ये पार्ट थ्री है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तीन पार्ट में मैंने कुछ आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए, लगभग में 120 क्वेश्चन लगभग या 140 क्वेश्चन के बीच में होंगे इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में। और लगभग में इसी प्रकार से ऑर्गेनिक हो गई, उसके बाद में फिजिकल केमिस्ट्री, वो ही आपको लगभग 400-500 क्वेश्चन टोटल दूंगा। आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टोटल मतलब कि आपको केमिस्ट्री के तीनों पीडीएफ, आप जानते हैं केमिस्ट्री तो जानते ही आप, केमिस्ट्री के कौन कौन सी हो सकती है, तो केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर की जिसे इनऑर्गेनिक कहते हैं, सेकंड पेपर की और थर्ड पेपर की, तीनों पेपर की पीडीएफ एक पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। जहां आपको जैसे पेपर होने वाला है, तो केमिस्ट्री का एक पेपर होगा तो पूरा खत्म होगा, तो उसमें क्या होगा, अच्छे तरीके से हमारी पीडीएफ से अच्छे तरीके से आप याद कर सकते हो और आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हो, समझ रहे हो। और आपको कोई फेल करने वाला पैदा नहीं है, सच बता रहा हूं मैं आपको। इन पीडीएफ से आप तैयार कर लो, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप डाउनलोड कर लो। और बताओ और क्या देना चाहो आप, और मैं क्या मदद कर सकता हूं, आप एक बार मुझसे बताओ कि सर ये वाली मेरी हेल्प कर दीजिए, वो भी करूंगा यार। आप एक बार बोल दो, हर सब्जेक्ट देखिए, जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी के लिए मैंने बना रखा है, और बीए, बीएससी, बीकॉम सबके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मतलब कि यही ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये सारी की सारी पीडीएफ बना रखी है मैंने, आप चाहे बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके फटाफट सारी डाउनलोड कर लो पीडीएफ को, और एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। आपका एग्जाम 100% होना है, 100% एग्जाम में होना है, समझ रहे हो तुम, तो फटाफट डाउनलोड कर लो। जितने भी यूपी के सभी यूनिवर्सिटी के कह रहा हूं, चाहे वो किसी आगरा यूनिवर्सिटी से हो, मेरठ यूनिवर्सिटी से हो, कानपुर यूनिवर्सिटी से हो, या कह दो रोहलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से हो, या फिर बनारस यूनिवर्सिटी से हो, बल्लिया यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, अवध यूनिवर्सिटी से हो, अयोध्या यूनिवर्सिटी से हो, प्रयागराज यूनिवर्सिटी से हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी से हो, किसी यूनिवर्सिटी से करें यूपी के, फटाफट सारे स्टूडेंट डाउनलोड कर लो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे क्या रहने वाला है, बताइए। परिवर्तनीय संकुल होते हैं, अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आंसर आप देंगे, मैं नहीं दूंगा, आप दोगे, बताइए। परिवर्तनीय संकुल होते हैं, क्या होते हैं, बिल्कुल ठीक, जिसने भी सी ऑप्शन लगाया बिल्कुल राइट, शीघ्र लिगेंड परिवर्तन करने वाले संकुल क्या होते हैं, परिवर्तनीय संकुल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शीघ्र लिगेंड परिवर्तन करने वाले संकुल, जो संकुल होते हैं वो परिवर्तनीय संकुल कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी, परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, दूसरा क्वेश्चन, इसको बताइए, के ब्रेकेट है या बड़ी वाली, फिर बी है, फिर ब्रेकेट सी सिक्स एच फाइव की फोर, या बोला गया का नाम क्या होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, बताइए इसका नाम क्या रहने वाला है। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर जिसने भी सी दिया है, परम सत्तासन है, पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम टेट्रा फिनिल बोरेट हो जाएगा इसका थर्ड पॉइंट, ऑप्शन नंबर क्या है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, इस क्वेश्चन को आपको संकुल बताना है, इसमें संकुल है, कौन सा संकुल आपको बताना है, देखिए सीओ ब्रेकेट एन एच थ्री की सिक्स पावर की थ्री प्लस, आपसे देखिए यहां आपको संकुल बताना है, इसमें संकुल कौन सा है, बहुत ही बढ़िया, जिसने बताया ऑप्शन नंबर ए अक्रिय संकुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कैसा है, अक्रिय संकुल हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने कहा 2021 में आने वाले क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन एमसीक्यू जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ओएमआर, ठीक है, ओएमआर जो पेपर आपका बनता है, चार विकल्प होते हैं, उसका टिक लगाना होता है, वही पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाओ यार डाउनलोड करो, भाई कैसे करता हूं तुमसे, डाउनलोड करो फटाफट यार, फटाफट डाउनलोड करके और अपनी तैयारी में लग जाओ, किसी और के भरोसे मत रहो, मैं बता रहा हूं किसी और के भरोसे मत रहो, तैयारी में लग जाओ, ठीक है। यहां जो क्वेश्चन मैंने इंपोर्टेंट दिए, ये इतने इंपोर्टेंट है, इनसे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा एग्जामर, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। यदि बन भी जाता तो भी मैं आपसे कह रहा हूं, यहां आप बिल्कुल आसानी से कह रहा हूं 75% तो बिल्कुल पक्का लेके आओगे, बिल्कुल पक्का पक्का लेके आओगे, समझ रहे हो। हाँ, यदि आपने सही से पढ़ लिया तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यहां बोला गया, सबसे महत्वपूर्ण पाई स्वीकार, जो कहते हैं स्वीकारी लिगेंड है, सबसे देखिए पाई को स्वीकारने वाला सबसे महत्वपूर्ण लिगेंड कौन सा है, ऑप्शन में यह बताना है, पाई को कौन सा लिगेंड स्वीकार लेता है, बताइए। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, बताइए कमेंट में, सभी लोग आंसर दीजिए कमेंट में, करिए मत करिए मुझे पता नहीं, लेकिन आपके आंसर राइट आना चाहिए, बस ये देखिए, ठीक है। आपको पास हो रहा है, फेल, कोई भी स्टूडेंट मुझे फेल करते हो ये मत बताना कि मेरा फेल कर देता है सर, कुछ करा दो, मैं नहीं कराऊंगा फिर बाद में, बोल रहा हूं अभी, समझ रहे हो, फिर बाद में कुछ नहीं कराऊंगा मैं, अभी बोल रहा हूं, अभी तैयार करो तो करो, जो बोल रहा हूं उतना तैयार कर नहीं कर सकते क्या,
अभी एक महीना पढ़ा एग्जाम के लिए, समझ रहे हो, इतना तैयार करो। 54 का फटाफट आंसर बताइए क्या रहने वाला है। बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है, ये सुकारी लिगेंड हो जाएगा जो पाई को स्वीकार लेता है, स्वीकार कर लेता है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेता है। इस क्वेश्चन को देखिए, सभी लोग शेयर करो इस वीडियो को, पहली बात तो सभी लोग शेयर करो, ठीक है। यहां बोला गया है पॉर्फिरिन में पायरोल चक्रों की संख्या कितनी होती है, बताइए, और शेयर करो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, कितनी होती है चक्रों की संख्या, आप हो गए 4, ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर है। इस क्वेश्चन को देखिए, मायोग्लोबिन बोला गया है कार क्या होता है, आपको बता रहा है मायोग्लोबिन का कार क्या होता है। देखिए ग्लोबिन और मायोग्लोबिन, ये क्वेश्चन मैंने वैसे भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था आपको, और ऑप्शन में भी देखिए वही आ गया, मायोग्लोबिन का कार क्या होता है बताइए, ऑक्सीजन का भंडारण करना होता है, ऑप्शन नंबर क्या है, डी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मांसपेशियों के संकुचन में उपयोगी होते हैं, क्या होते हैं भाई, हाँ मांसपेशियों के संकुचन में उपयोगी होता है, क्या होता है आपको बता रहे हैं। देखिए आप इसे बोला गया है, यहां कई विकल्प होते हैं, देखिए मांसपेशियों में क्या पाया जाता है, आपको पता है सबसे ज्यादा कैल्शियम, कैल्शियम सबसे ज्यादा उपयोगी होता है यार, कैल्शियम के बिना तो हमारी ये हड्डी वगैरह कुछ काम ही ना करेंगी, तो क्या हो जाएगा Ca2+। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार इतना तो सब जानते हो आप, कहने की जरूरत ही नहीं है आपको। यहां बोला गया है देखियो CF, ध्यान से देख रहे हैं सबको, ध्यान से देख रहे हैं, CFSE का मान, ठीक है, कम होने पर जटिल की जो सक्रिय ऊर्जा में मान क्या हो जाता है, ये बताना है। जब जटिल सक्रिय ऊर्जा होती है, सक्रिय ऊर्जा से बोलते हैं, उसके मान में क्या होता है, कमी होती है, वृद्धि होती है, या फिर कह सकते हैं परिवर्तन नहीं होता या कुछ भी नहीं हो सकता, ये आपको बता रहे बताइए, तो आपको वृद्धि होती है, याद रखेंगे, जो होता है CFSE के मान कम होने पर जटिल की सक्रिय ऊर्जा में वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर है। इसको देखिए, स्थाई संकुल आयन क्या होते हैं भाई, आयन बताने, स्थाई संकुल आयन कौन से होते हैं बताइए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर है। क्या संयुक्त आ और बा, मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ये जो Ag Ag I2- पॉजिटिव और साथ में CO और यहां देख रहा है NH3 के 3 और 2 पॉजिटिव, अब देख रहे हैं जो ये क्या है, दोनों ही बिल्कुल क्या है, स्थाई संकुल आयन है, ऑप्शन नंबर क्या है बी और सी, ऑप्शन नंबर ए और बी, तो तीन मतलब कि यहां दोनों ऊपर के राइट होने वाले हैं। यहां नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है नाइट्रोजन को, यहां बोला गया है नाइट्रोजन को NH3 में परिवर्तन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो एंजाइम के बारे में पूछा गया है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया, रीजनिंग का, ये जियोलॉजी का क्वेश्चन है, बिल्कुल देख लो, बिल्कुल जियोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है, नाइट्रोजन को NH3 में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है, बता दो फटाफट, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजेनिज, ऑप्शन नंबर क्या है सी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, यहां गया रक्त में हीमोग्लोबिन की वृद्धि करता है, रक्त में हीमोग्लोबिन की वृद्धि कौन करता है, ये पूछा गया आपसे, बताओ फटाफट बता दो मेरे दोस्तों क्या रहने वाला है। बिल्कुल ठीक है, वो करता है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखिए, कह रहा है यहां देखेंगे सब लोग, सभी लोग आंसर देंगे बिल्कुल राइट वाला, ठीक है ना, यहां सभी लोग राइट देंगे। देखिए कह रहा है जब तक, देखिए कह रहा है सॉरी अब तक बोला गया, ठीक है 62वां क्वेश्चन, और देखिए शेयर जरूर कर दो फटाफट। यह कह रहा है अब तक कितने तत्वों की उपस्थिति जीवाणु, ठीक है, और फफूस पैदो और पौधों और पशुओं और मनुष्यों से ज्ञात की जा चुकी है, अब बताओ अब तक कितने तत्वों की उपस्थिति है, वो कह सकते हैं जीवाणु, किस और क्या कह सकते हैं, और आप जानते हैं फफूस जानते हो जिसे फंगस कहते हैं, ठीक है, और पौधे तो जानते होंगे, पशुओं को तो जानते होंगे, और मनुष्यों में ज्ञात की जा चुकी है, बताइए कितने तत्वों की उपस्थिति ज्ञात की जा चुकी है, तो आप हो गए 60 से अधिक, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है डी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जो विल्सन रोग होता है उनमें प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है, तो विल्सन रोग में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है आपको ये बताना है, तो विल्सन रोग में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है, सब लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर है पेनिसिलामीन, ऑप्शन नंबर क्या है बी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, अकार्बनिक रबड़ है कौन सा है भी, इनमें बताइए अकार्बनिक रबड़ कौन सा है, बहुत ही बढ़िया, इसको कहा जाता है पी सॉरी
क्या बोल दिया मैंने, देखो ये एक क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है NPCl 2-3, ये बोला जाता है, इसे कहते हैं पॉलीफॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सूत्र जो होता है रासायनिक सूत्र आप देख सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मात्रा में मानव शरीर में पाए जाने वाला आकार्मिक तत्व कौन सा है, बताइए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। आकार्मिक तत्व बताना है आपको, कौन सा पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में मनुष्य के बॉडी में, कौन सा पाया जाता है, तो आपको के आयरन, ऑप्शन नंबर बी परम सॉरी ए परम सत्य आंसर है, आयरन हो जाएगा। फास्फोजिन की प्रकृति होती है कैसी होती है, फास्फोजिन है उसकी प्रकृति कैसी होती है, बताइए सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दो यार क्या रहने वाला है बताओ। और आप पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लो, मैं आपसे फिर लास्ट बार कह रहा हूं, पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लो, फिर मत कहना कि सर मेरे ऐप फेल हो गया, मैं ये हो गया, फिर मत कहना, ठीक है। मुझे अच्छा ना लगता है कि मैं फिर बाद में कुछ कराऊं, आपका जुगाड़ कराऊं, वो कराऊं, पर मेरे पक्ष बात नहीं है, अभी मैं बोल रहा हूं वो करो इतना, ठीक है। हाँ तो पीडीएफ को डाउनलोड करो, पढ़ना स्टार्ट कर दो यहीं से, यहां से क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा, मैंने बहुत क्वेश्चन दे दिए, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा छांट छांट के इंपॉर्टेंट दिए। अभी बुक लेके आया था 1000 रुपए की बुक लेके आया था आपके लिए, केवल बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए, समझ रहे हो, 1000 रुपए की बुक लेके आया था मैं, कल गया था, ब्लॉग देख लेना सूरजराज बरेली, देख लेना सर्च मार के सूरजराज बरेली, सर्च करोगे ना यूट्यूब पे तो सबसे पहले ऊपर मेरी वीडियो आएगी, जहां मैं गया था अभी बुक लेने, आधा घंटा था उसके घर के बाहर खड़ा रहा, दुकान कोई नहीं खुल रही है, समझ रहे हो, कोई भी शॉप नहीं खुल रही है अब तक बुक की, उसके घर गया पता निकाल के कि भाई उसका घर कहां है, घर पहुंचा तो उसकी जो वाइफ थी उसने काफी अंदर ढूंढ ढांड के तो किताबें दी है तुम्हारे लिए यार, समझो। और तुम बिल्कुल भी कुछ ना करो, पीडीएफ बनाई है पूरा पूरा पूरा, उसके बाद में आने के बाद घर पूरा रात हो गई मुझे, 12 बजे सोया हूं कल पीडीएफ बनाते बनाते, ताकि आपको जल्दी से जल्दी कर सकूं, आपको यार गाइड कर सकूं, आपको कोई तकलीफ ना हो, और आप समझते नहीं हो, पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर रहे यार, फटाफट डाउनलोड करो, ठीक है। इस क्वेश्चन देखो, इसको फास्फोजिन की प्रकृति कैसी होती है बताइए, सबसे पहले आपको भी क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां कह रहा है हेमी, हेमी में उपस्थित एफी परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो हेमी में उपस्थित एफी परमाणु की संख्या कितनी होती है, आपको के 4 होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए लकड़ी की संरक्षण में कार्बन धात्विक यौगिक उपयोग में आता है, आपको यह बताना है कार्बन धात्विक यौगिक उपयोग में आता है, ठीक है। लकड़ी के संरक्षण में कार्बन धात्विक यौगिक उपयोग में आता है, ये आपको बताना है कौन सा आता है, तो कहोगे SN, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अचुंबकीय पदार्थ है, पैरामैग्नेटिक जिसे बोला जाता है, कौन सा पदार्थ है बता दो फटाफट, ऑक्सीजन है, लोहा है, चुंबकीय, ये दोनों है यार, अनुचुंबकीय कौन सा पदार्थ होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, सभी लोग बताओ, आप कहोगे कौन सा कहोगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन भी एक अनुचुंबकीय पदार्थ होती है और लोहा भी एक अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको बताना है सभी लोग बताइए, देखिए फ्रियोन 12 का उपयोग कहां होता है, आपको ये बताना है उपयोग होता है या किस जगह किया जाता है, ठीक है, कहां किया जाता है, फ्रियोन 12 का प्रयोग कहां किया जाता है बताओ, सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है, बिल्कुल ठीक है, शीत कारक की तरह, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, ए परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पान देखिए यहां कह रहा है, पीने के पानी में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है बताओ, पीने के पानी में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या होती है, यदि वो पानी में उपस्थित होगा तो हमें हानिकारक होगा, क्यों, कौन सा पदार्थ है ऐसा, बहुत ही बढ़िया, जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया परम सत्य आंसर है PbCl2, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72वां क्वेश्चन कह रहा है, किस संकुल में DSP3 संकरण पाया जाता है, आपके 4 ऑप्शन है, एक आंसर रहने वाला है, कौन सा है बताइए, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर हो जाएगा, IF6। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन को देखिए, परामैग्नेटिक में मैंने बोला कार्बिल होते हैं, मतलब कि अनुचुंबकीय कार्बिल कौन से होते हैं बताइए, कार्बोनिल। हां बोला जाता है ना परा, जिसे कहते हैं अनुचुंबकीय कार्बोनिल बोलते हैं या फिर परामैग्नेटिक कार्बोनिल भी बोला जाता है, वो कौन सा है? तो आप हो गए VCO की 6। ये मैंने पार्ट वन में भी कराया था, पार्ट वन में जो वीडियो डाली थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन कठोर अम्ल है? तो आपको कठोर अम्ल बताना है, आपको कठोर अम्ल बताना है, बताइए कौन सा है। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है परम सत्य आंसर है Fe3+। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन 12 में होता है, विटामिन 12 में क्या होता है? विटामिन 12 में क्या होता है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां बोला गया सिलिकॉन का सामान्य सूत्र क्या होता है? सभी लोग इसका आंसर देंगे। सिलिकॉन का सामान्य सूत्र क्या होता है? सभी लोग इसका आंसर देंगे। सिलिकॉन का सामान्य सूत्र क्या होता है? सभी लोग इसका आंसर देंगे। बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर जिसने सी दिया परम सत्य आंसर है R2SiO की पावर n। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पूछा गया संकुल आयन में VF6 की पावर 3- में कितने आयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें, यह पूछा गया है। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको देखना है, यहां पूछा गया जिगलरनाटा जो उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक को यहां बोला गया TiCl4 में निम्न में को मिलाकर बनाया जाता है। जिगलरनाटा जो उत्प्रेरक को TiCl4 में निम्न को मिलाकर बनाया जाता है, तो आप कहोगे ET3Zn को, ऑप्शन नंबर सॉरी ET3Al को बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर होगा, ये नहीं होगा, ET3Al को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको देखना है, यहां बोला गया है Fe और Cl की 6 के 4- में आपको देख रहे हैं अंग जो संकुल आयन में आयुर्वेद इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो ये क्वेश्चन रटने लायक है, बस आपको रटना है इन क्वेश्चनों को, तो आपको शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, यहां बोला गया है Cr(CO)6 में Cr के ENA नंबर कितने होते हैं, जिसे कहते हैं एटॉमिक नंबर बोला जाता है, हाँ इसको बताना है आपको, EAN होगा, ENA नंबर से बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? बिल्कुल ठीक, जिसने भी ए दिया है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 हो जाएगा, इसको देखिए, यहां कह रहा है NPCl2 की 3 में नाइट्रोजन के संकृत अवस्था होती है, कौन सी होती है, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन अवस्था होगी, तो आप हो गए sp2 होगा संकरण, ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर है। इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, यहां कह रहा है क्रिस्टल, देखिए चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूंगा। और जो मैंने अभी ऊपर देख रहे हैं, अब नया होम पेज मैंने कुछ टाइटल डाला है 5000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, समझ रहे हो, फटाफट अभी हाल ही में हो जाना चाहिए, शेयर करो फटाफट ज्यादा 500,000 सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए फटाफट यार, 5 मिलियन तो सब्सक्राइबर डालो फटाफट पहुंचा दो यार, ठीक है, हाँ बहुत जल्दी जल्दी कराना यार, बहुत ही मैं सबके लिए ग्राउंड इंपोर्टेंट कर रहा हूं। इसको देखो, ये इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहां करें क्रिस्टल, देखिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, तो जिसे CFT बोलते हैं उसके अनुसार क्या बोला गया, MN और Cn6 के 3- आयन में आयुत इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, सभी लोग बताएंगे 4, ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर है। इस क्वेश्चन को देखिए, यह क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में कौन सा कठोर अम्ल है, तो कहोगे आप सोडियम, ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा जा रहा है, देखिए यहां बोला गया नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम कौन सा है, बताइए,
नाइट्रोजेनिस, ये मैंने ऊपर बता चुका हूं एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह बोला गया है, देखिए किस संकुल में sp3d2 संकुल पाया जाता है, तो आप हो गए FeCN6 की 3 माइनस में, ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सिलिकॉन बहुलक में SI सिंगल बॉन्ड उस SI इकाई को निम्न रूप में जानते हैं, तो इसको किस रूप में जाना जाता है आपको यह बताना है। ऑप्शन नंबर जिसने बी दिया है स्लो कह सकते हैं, स्लो कैक्शन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित प्रोटीन वो ग्लोबिन होता है, कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन होता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहां कह रहा है जैविक क्रिया में महत्वपूर्ण धातु क्या है, जैविक क्रिया जो होती है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण क्रिया जो तत्व होता है, जो धातु होती है, वो सोडियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NiCO4 का प्रभावी परमाणु क्रमांक कितना है, जिसे ENA बोलते हैं, प्रभावी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोला जाता है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी परम स्थान है, 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में देखिए यहां बोला गया, निम्नलिखित में जिसका अधिकतम ट्रांस प्रभाव होता है वो है, अधिकतम ट्रांस प्रभाव है, बताइए निम्नलिखित में से सबसे अधिक ट्रांस प्रभाव कौन सा है, तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे CO बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 आयनिक इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान लगभग है, 3 आयनिक इलेक्ट्रॉन जिसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसके चुंबकीय आघूर्ण के लिए, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट बोला जाता है, उसमें लगभग मान कितना होता है, तो आपको 3.88 BM होता है, ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अष्टफलकीय संकुल में डी कक्षक का विभाजन कितने समूह में होता है, अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षक या डी ऑर्बिटल का विभाजन कितने समूह में होता है, तो आपको 5 समूह में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु कार्बनों में ENA का नियम पालन नहीं करता, नियम का पालन नहीं करता, बताइए। ENA नियम पालन 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी बोलते हैं इसे, इसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी बोला जाता है, इसको आपको याद रखेंगे, तो कौन सा नहीं करता है पालन, बताइए सभी लोग, कौन सा नहीं करता है पालन सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, सी, जिसे कहते हैं VCO6, ये नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, यहां TI, देखिए यहां ब्रैकेट TI ब्रैकेट H2O की 6 में 3 प्लस पॉजिटिव, आप देख रहे हैं प्लस वाला है, पॉजिटिव है, और यहां संकुल आयनों का रंग होता है, आपको ये बताना है। तो क्या रहने वाला है इसका, ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर है। इलेक्ट्रॉन के उत्तेजित अवस्था T2G से EGO ऊर्जा स्तर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किसकी क्रिस्टल क्षेत्र स्थायी ऊर्जा सबसे अधिक है, तो आप हो गए ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर है, CR और H2O जिसे जल कहते हैं उसके 6 और पावर 3 की सबसे क्या क्रिस्टलीय जो क्षेत्र है उसकी स्थायी ऊर्जा सबसे अधिक होती है, तो ये सबसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पूछा गया संकुल के रंग की संतोषजनक व्याख्या करता है, तो आप बोलोगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे हम BBT कहते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, निम्नलिखित में से विल्किंस उत्प्रेरक है, बताइए, विल्किंसन उत्प्रेरक आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से विल्किंसन उत्प्रेरक कौन सा है, तो आप बोलोगे RH का हो गया,
देखिए यहां आर एच होना चाहिए था, यहां पी नहीं है, आर एच है, ठीक है, यहां आर एच है, यहां आर होगा, आर एच सी एल जिसे पी बी एच थ्री बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी पर हम सबका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्लोफिल, आप देख रहे हैं क्लोरोफिल में धातु उपस्थित होती है, ये आपको बताना है, क्लोरोफिल में धातु उपस्थित होती है, कौन सी होती है, तो आप हो गए मैग्नीशियम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा Mg, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर है। इस क्वेश्चन को देखने ये आपसे पूछा गया है V ब्रेकेट CO6 है, क्या है ये, तो आप कहोगे एक अनुचुंबकीय है, ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के अनुसार बदलती है, जो चुंबकीय प्रवृत्ति है उसकी ताप के अनुसार बदलती है, इनमें से कौन सा संबंध सही है, ये आपको बताना है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर हो जाएगा, सी बटे टी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, यहां आपसे पूछा गया है एफ ई थ्री प्लस का चक्रण चुंबकीय घर्णन है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर वन जिसे 1.732 बीएम, ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीओएफ सिक्स की 3- संकुल अधिक स्थायी है अपेक्षाकृत किसके, सीओआई सिक्स और -3 के, यहां देखिए एफ है और यहां केवल सी है, ये अधिक है अपेक्षाकृत किसके, इसके, क्यों, कोई कारण तो होगा इसका, बताइए। तो आप कहोगे हार्ड अम्ल और हार्ड क्षार क्रिया के कारण, ठीक है, हार्ड अम्ल और हार्ड क्षार की क्रिया के कारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ए परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्लोरोफिल में कौन सा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, क्लोरोफिल में कौन सा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, तो आप कहोगे मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर है। यहां पूछा गया 104 क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं टीआई और H2O6 प्लस 3 में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की अवस्था का संभावनाएं हैं, बताइए ट्रांजिशन की जो संभावनाएं होती है कितने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की संभावनाएं होती है, यह आपको बताना है। तो आप कहोगे एक ट्रांजिशन की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां आपसे गलत वर्ड दिया गया है, ठीक है, नाटा होगा यहां, क्या कोई नाटा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है क्या रहने वाला है, ठीक है, जिग्नर नाटा जो कैटलिस्ट है वो कौन सा है आपको बताना है, कैटलिस्ट आपको ही बताना है, देखिए जिग्नर नाटा कैटलिस्ट है, कौन सा है बताइए, सभी लोग आंसर देंगे इसका क्या रहने वाला है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिसने ए दिया है परम सत्य आंसर है, जिसे TiCl4 प्लस AlR3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, इसको आपको बताना है जाइजेस, आप देख रहे हैं जाइजेस साल्ट है, किसका है, तो सभी का ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर आना चाहिए, के ब्रेकेट पी टी सी एल थ्री सी टू एच फोर ब्रेकेट वन, ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर है। आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और अब तक आपने पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाओ पीडीएफ को डाउनलोड करो और याद करने पर डट जाओ, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको यहां से 85% प्लस मिलेगा, देखने को 85% मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना, दोस्तों को शेयर करना, लव यू सभी के लिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, थैंक यू, लव यू।